रक्षाबंधन पर्व के मौके पर डॉक्टर सुनीता शर्मा और गुंजन खंडेलवाल ने एक अनोखी राखी बनाई है जो चना दाल, चावल, साबुदाना और मोर के पंख से बनाई गई है। डॉक्टर सुनीता और गुंजन ने ये राखी देश के लिए जान न्योछावर करने वाले वीर जवानों को समर्पित की है। डॉक्टर सुनीता शर्मा और गुंजन खंडेलवाल ने चना दाल, साबुदाना, चावल, मोती और मोर के पंख, बांस से बनी चटाई आदि सभी पर्यावरण के अनुकूल चीजों का उपयोग कर एक अनोखी राखी तैयार की है। ये राखी रविवार शाम 4 बजे लॉ कॉलेज चौक पर नीम के पेड़ पर बांधी जाएगी। इस राखी को बनाने के लिए डॉक्टर सुनीता शर्मा और गुंजन खंडेलवाल को 3 दिनों का समय लगा। ये भव्य व अनोखी राखी देश के वीर जवानों को समर्पित की है। खंडेलवाल हूँ और मेरी सहेली मिसेस सुनीता शर्मा, हम दोनों ने मिलकर ये राखी बनाई है। इसे बनाने में हमें करीब 3 दिन लगे हैं और हमारा उद्देश्य है कि पिछले साल हम लोग ने कोविड वॉरियर्स को दी थी, समर्पित किया था। इस साल हम अपने फौजी भाइयों को समर्पित कर रहे हैं जो हमारे देश की रक्षा और हमारी रक्षा दोनों ही करते हैं। इसमें हमने इको फ्रेंडली राखी है और हमने इसमें चावल, पीले चावल, हरे चावल, लाल चावल, ये सब फूड कलर देके हमने उसको बनाया है, यूज़ किया है। और मोली रखी है, मोली का उद्देश्य है कि जब भी हम अपने रक्षाबंधन का त्यौहार, यही होता है कि भाई अपनी बहन की रक्षा करें, तो आज हम अपने फौजी भाइयों को देखते हैं कि वो रात और दिन सरहद पर खड़े हमारी रक्षा के लिए खड़े हैं। तो एक सांकेतिक तौर पर हम ये राखी उनको समर्पित कर रहे हैं।